दीदी दी आप कब आए? मैं बस अभी थोड़ी देर पहले। आज तो क्या सही हुआ ना, रूपा आंटी का चेहरा देखने लायक था। बाय गॉड, मजा आ गया उनके चेहरे पे 12 बजे हुए देख के। ओ हेलो, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए? कोई प्रॉब्लम है क्या? तो मैं भी जानने की कोशिश कर रही हूँ दिया, दिक्कत क्या है? जहां से जवाब मिलने की उम्मीद है, इस वक्त वो खुद ही एक सवाल बन चुका है। अरे मेरे भाई, एक नई मस्त सी फिल्म आई है देखने, चलते जल्दी जल्दी खड़ा हो जा, तैयार हो जा। अरे चलते जल्दी खड़ा हो ना। लुगाई के साथ चले जा। वो लुगाई उसके साथ जाने से अच्छा जहर खा के मर जाऊं। पूरी फिल्म में किच किच करता रहता है, पॉपकॉर्न वाली से लड़ेगा, मोल भाव करेगा। उसके साथ नहीं जाऊंगा, तू खड़ा हो, तेरे साथ चलूंगा। अच्छा किसी और के साथ चले जा। क्या तुझे हो क्या गया आजकल, जब देखो फोन को ताकते रहता है। ओ कौन से भाषा में बात करने लगी हो तुम आजकल? ये सवाल जवाब उम्मीद ये टाइप की बातें ना पापा को ही समझाया करो, मेरे समझ से बाहर है ये सब। मैं फ्रेश होके आती हूँ। हाँ चुप कर रहो, निकल यहां से। ओए होए, कोई नई बंदी पटाई है जिसके पीछे पड़ा आजकल? अच्छा कैसी हॉट है? बात आगे तक बढ़ी है, सिर्फ फोन तक ही है। अभी तुझे यहाँ से ऑफ एंड हो रहा है बंदा, प्यार वाला कनेक्शन है, दिल भी तो नहीं दे बैठा मेरा भाई। अरे वैसे भी तेरे इर्द गिर्द तो हजारों तितलियां मरती हैं, पर इस नई वाली तितली को दिल तो नहीं दे दिया मेरे भाई ने। अच्छा बकवास बंद करो, निकल यहाँ। अरे बकवास ही सही, अगर बंदी ज्यादा चेप हो रही हो ना तो अपने भाई से सेट करा दियो, कसम से तेरे बदले का सरदर्द सब मैं अपने ऊपर ले लूंगा। जो निकल यहां से, नहीं तो तक्के मार के निकालूंगा। निकल, कोई बात बात नहीं करनी मुझे। क्यों जिससे सबसे ज्यादा मैं नफरत करता हूँ वही मेरी बेस्ट फ्रेंड है? क्यों जिससे देखते ही गुस्सा आता है उसी से बात करके सुकून मिलता है? क्यों जो दर्द देती है वही उसका इलाज भी करती है? कैसे भूलूं कि आद्या ही मेरी इंटरनेट वाली दोस्त है? कैसे भूलूं कि उसकी सम्राट थी? सगाई होने वाली, क्या कहा तुमने? मंगेतर हूं मैं तुम्हारा, 2 दिन में सगाई है हमारी, और तुम मुझे ऐसे उल्टा जवाब दे रही हो। आदो पापा। सुन, सम्राट की दादी ने कल लंच पे बुलाया, फिर शाम को उनको कोई वो क्या चुन्नी चढ़ाने की रस्म भी करनी है कल। हाँ आराम कर ले। थप्पड़ मार के दिल नहीं भरा तेरा,
जो अब सामान भी फेंक रहा है। जा तो रहा हूं मैं। अरे रज्जू भाई, ने थप्पड़ क्या मार दिया, तू घर छोड़ के चले जाएगा? अपना पिंकी वाला कांड याद है तुझे? उसकी खिड़की पे पत्थर तू मारता था, लेकिन बाहर बाइक देख के उसके भाई मेरे पीछे पड़ गए। उस वजह से एक्सीडेंट हुआ था मेरा, 3 दिन हॉस्पिटल में रहा था। मैं तो नहीं गया था तुझे छोड़ के। अरे दुनिया की कौन सी खुराफात हमने साथ में नहीं की है, लेकिन आज भाई से टेंशन में गलती से हाथ क्या उड़ गया? तू भाई को छोड़ के जा रहा है? माफ कर दे यार रज्जो, तू गुस्सा है ना, तू तू मार ले यार। नहीं 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 नहीं, नहीं तू मार दे, तू मार। नहीं आज नहीं, फिर कभी मारूंगा। कहीं वो पिंकी वाली बात यार, वो तो किसी एनआरआई के साथ शादी करके निकल ली, तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि आज के बाद किसी भी लड़की के मामले में फंसना नहीं है मुझे। ये सब कांड लड़कियां कराती हैं। सच सच बता, तेरी ये टेंशन भी लड़की की वजह से है ना? ओहो रज्जो, तेरा दिमाग ना लगा, अपना सामान ले और अंदर जा, नहीं तो एक और थप्पड़ खाएगा। जा। कहाँ हो तुम? क्या हो गया एकदम अचानक से? पहले तो कितनी बातें किया करते थे, एक भी मैसेज का जवाब नहीं दे रहे हो। फाइनली ये ऑनलाइन है। प्लीज कल हम मिल सकते हैं क्या? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मेरे मन में बहुत सारे डाउट्स हैं जो तुमसे मिलकर ही क्लियर होंगे, इसलिए प्लीज। 2 दिन बाद तुम्हारी सगाई है, मुझे नहीं लगता हमें मिलना चाहिए। एग्जैक्टली, मुझे उसी बारे में तुमसे बात करनी थी। और तुम्हें ने कहा था ना कि जो मैं फैसला ले रही हूँ वो गलत है, तो प्लीज मुझे सही रास्ता दिखाओ ना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर रही हूँ। यही लग रहा है कि कुछ गलत होने जा रहा है। प्लीज मुझसे मिल लो, हम आराम से बैठ के बात कर लेंगे। ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो तुम्हें मुझे ढूंढना पड़ेगा। लेकिन ढूंढना पड़ेगा वो कैसे? एक सेकेंड, इसे कैसे पता कि एग्जैक्टली 2 दिन बाद मेरी सगाई है? मैंने तो उसे डेट बताई नहीं। मतलब ये जो भी है ये मुझे जानता है। कौन हो सकता है ये? नमस्ते। नमस्ते, आइए आइए। ये अरे शुभांकर जी, ये क्या है? ये गिफ्ट्स विफ्ट जो है ना, ये सब ओल्ड फैशन हो गए। आजकल चाहे वो लड़के वाले हैं या लड़की वाले, शादी के काम में दोनों का बराबर का खर्चा होना चाहिए, 50-50%। हाँ, करना तो चाहिए। और फिर हमारे घर में बहू नहीं बेटी आ रही है, जो भी होगा सब बराबरी से होगा। पुरु, इनका बस चले ना, ये पूरा खर्चा हम इसे करवाएंगे। बाजी प्लीज शांत रहिए। चलिए आप लोग सब अंदर चलिए, एक बढ़िया सा सरप्राइज है जो खाने के बाद होगा। आइए ना, आप अंदर आइए। आओ
आओ। मिसेस मित्तल, आपने सबको जमीन पे क्यों बिठाया? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम सब साथ में बैठकर मिलजुल कर दिल में जो भी रंजिशें हों उन सब को दूर कर ले। तो इसलिए भाई मैंने प्लान किया है कि हम सब आज हम खेलेंगे पासिंग द पार्सल। चलिए चलो ये सेटल हो। आइए आइए आइए। रेनू, श्री गणेश करें। जी दादी। चलो। अरे बेटा लीजिए लीजिए। शुभांकर जी, आप तो फंस गए। हाँ फंस ही गए लगता है। बोलो भी, क्या करवाना चाहते हो शुभांकर जी से? पापा, मम्मी ने बताया था आप दोनों जब पहली बार मिले थे तब आपने गाना गाया था, वही गा दीजिए ना। ओहो, आपको गाना ही पड़ेगा, क्या बात है। अरे देखिए, मुझे गाना वाना कुछ नहीं आता है, मैं। अरे सुनाइए ना। पापा गा दीजिए ना। एक दो लाइन गा देता हूँ। बहुत अच्छे। अच्छा लगा आपको? बड़ा ही ओल्ड टाइप, बुड्ढो टाइप गाना है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। आप ही की उम्र के हिसाब से गाया था। चलो गेम आगे बढ़ाते। अब मुझे कोई सॉन्ग वॉन्ग नहीं आता। नहीं, पसंद तो आपको बहुत कुछ नहीं है, पर अब जब खेल रहे तो। और भाई समधन जी को जो है पनिशमेंट मैं दूंगा। व्हाट? देखिए, आपका तलफ्फुज इतना अच्छा है तो भाषा में जिस तरह का आपका अधिकार है, मैं चाहूंगा कि आप जरा एक कोई शेर सुना दें। परिंदों को नहीं दी जाती तालीम, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो तो खुद ही मंजिल बनाते हैं आसमानों की। वाह मॉम, दादू आई एम सॉरी, एक इंपॉर्टेंट कॉल है, मैं अटेंड करके आता। अरे भाई, सब लोग चले जाएंगे, करने का मुद्दा ये था कि सब साथ में, तो फिर मैं भी जाके आता हूँ कहीं पर। अरे तुम चुपचाप बैठो यहाँ। हाय, कहाँ गायब हो जाते हो बार बार? सॉरी, वो एक्चुअली थोड़ा बिजी था। तुम बताओ क्या हो रहा है? कुछ खास नहीं, बस किसी के यहाँ लंच पे आई। गेस करो किसके यहाँ आई हूँ मैं। किसके? उसी कलीग के जिसके मर्डर की बात कर रही थी मैं। हाँ याद आया। वैसे इतना बुरा है क्या वो? इतनी नफरत करती है उससे? अबे वो इधर आ। फालतू बकवास की ना, तेरा मुंह तोड़ दूँ यहीं पे। आते ऐसी लड़की नहीं है। सॉरी बोल उससे। पता नहीं, एक पहेली सा है वो, उसे समझना नामुमकिन है। कभी अच्छा बन जाएगा तो कभी बहुत बुरा, मगर अब तो वो भी बदल रहा है। पता है, मुझसे लड़ना छोड़ दिया उसने। आगे आगे, 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 आगे। चलो, चलो गेम शुरू करते हैं। फाइनली आप भी हंसी गए। पाऊजी पाऊजी, आप आध्या को अपनी और मम्मी जी की लव स्टोरी सुनाइए ना, कि कैसे आप दोनों मिले थे और ये सिलसिला शुरू हुआ था। देखो भाई, ये ना बड़ी ट्रू लव स्टोरी है, तो इसके लिए माहौल रोमांटिक होना चाहिए। मैं एक मिनट आया।
जनवरी का महीना था, मेरठ रेलवे स्टेशन सुनसान था, कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, ट्रेन का इंतजार कर रहा था, दिल्ली जाना था। दूर मैंने देखा एक बेंच है, मैं बेंच के कोने पे कंबल ओढ़ के बैठ गया। अचानक मुझे लगा कि मेरी जो पिछली वाली बेंच है ना, वहां पर कोई लड़की आके बैठ गई है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि मैंने इस लड़की को देखा तो नहीं है पहले कभी, लेकिन मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं कि मैं इस लड़की को जानता हूं? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि इस लड़की की बातें मुझे अच्छी लगेंगी? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मेरी खुशी की वजह ये लड़की ही है? कुछ समझ में नहीं आया। ठीक कह रहा हूं? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बस वो मेरा पहला लम्हा था। फिर एक दिन एक कॉलेज के कंपटीशन में मैंने उस लड़की को देखा। वो कंपटीशन में मैं भी हिस्सा ले रहा था। मैं कंपटीशन में भी हार गया और उस लड़की के सामने अपना दिल भी हार गया। मिस्टर संस्कारी मित्तल, क्या स्पीच दी है आपने? मैं तो इंस्पायर हो गया आपकी स्पीच सुनकर। अब प्रॉब्लम ये कि मैं वहां से चला तो गया, लेकिन ना मैंने उसका नाम पूछा और ना ही मैंने उसका एड्रेस लिया। एड्रेस लेते तो कैसे लेते भाई? उस जमाने में थोड़ी इंटरनेट होता था कि भाई इंटरनेट एड्रेस लिया और फटाफट वो चैटिंग वैटिंग शुरू कर दी। लेकिन दादाजी, आपको तो दादी के बारे में कुछ नहीं पता था, फिर आपने उन्हें ढूंढा कैसे? पुत्र, दिल जब मंजिलें तय कर लेता है ना, तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। फालतू बकवास की ना, तेरा मुंह तोड़ दूंगा यहीं पे। आद्या ऐसी लड़की नहीं है। सॉरी बोल उससे। मैं उस हर जगह पे गया जहां मैं उस लड़की से मिला था। हर बंदे से मैंने पूछा, बड़ी पूछताछ की, कुछ पता नहीं चला। अचानक एक ग्रुप फोटोग्राफ थी स्कूल की और मैंने उस लड़की को पहचान लिया। मैंने अपनी पूछताछ और तेज की और मुझे पता चला कि ये लड़की एक शादी पे जा रही है। मैं भी बस कूद गया और उस शादी में पहुंच गया। जब मैं वहां गया और जिस लिबास में मैंने देखा, ये इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मैं कंफ्यूज हो गया कि ये शादी पे आई है या शादी इसकी हो गई है। तो फिर मैंने सोचा, ओए रब्बा, कहीं मुझे आने में देर तो नहीं हो गई? देखा जाए, इतने बदमाश थे तेरे दादाजी। अरे अब कौन लेफ्ट आउट हो गया? आद्या, सम्राट और जय। जय भी हार गया ना? कम ऑन दी, कम ऑन जीजू, कम ऑन जय, कम ऑन जय। कम ऑन जय। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगी, प्लीज। अगर आप सब माइंड ना करें तो आद्या को सजा मैं देना चाहूंगा। वेल, दादी दादू की कहानी सुनकर तो सबको अच्छा लगा, रोमांटिक स्टोरी। पर आद्या और मेरी कहानी थोड़ी टिपिकल अरेंज मैरिज टाइप से। आद्या, मैं तुमसे जानना चाहूंगा कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.